वेलकम टू LMP सेवाज़ एकेडमी। चलिए आज का हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग NCERT के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास 11th है, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर है 3, और एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग 6th क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज के लिए इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। इफ़ इन टू सर्कल्स, ध्यान से सुनेंगे, इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग दो सर्कल बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने दो सर्कल बना लिए, एक सर्कल मेरा ये है और एक सर्कल मेरा मान लीजिए ये है। दो सर्कल बनाने थे, दो सर्कल हम लोगों ने बना लिया। अब बोला आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ। आर्क क्या होता है? छोटा सा पार्ट ऑफ सर्कल सेम लेंथ की। मान लीजिए यहाँ से मैंने एक आर्क जो मैं डार्क कर रहा हूँ, मैं आर्क बना रहा हूँ अपनी, मान लीजिए ये एल लेंथ की मैंने आर्क ले ली, क्योंकि उसने कोई लेंथ हमें दे नहीं रखी है, तो हम खुद अज्यूम कर ले रहे हैं कि भाई हमारी जो आर्क है वो एल की है। एल लेंथ की आर्क इधर ली मैंने, नाम दे दीजिए ए बी, तो इधर भी कितनी लेनी है? आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, तो यहाँ पर भी आपको एल लेंथ की ही लेनी है। तो इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ उतने ही पोर्शन में। मान लीजिए ये मेरी आ गई, इसका नाम दे देता हूँ मैं सी डी, ये भी कितने लेंथ की है? एल लेंथ की, ठीक है ना। देखने में छोटी बड़ी हो सकती है, ड्राइंग का फ़र्क हो जाएगा, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन दोनों ही आर्क की लेंथ जो है वो क्या है? एल है। अब क्या कह रहा है? इफ़ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल्स 60 डिग्री एट एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर बना लिए दोनों का, ये सेंटर आ गया इधर, ये मान लीजिए ओ है, ये मान लीजिए आपका ओ डैश सेंटर है, ठीक है ना। अब ये आर्क देखिए सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा। कैसे बनाएगा? इस आर्क का एक एंड पॉइंट पकड़िए, सेंटर से मैच कर दीजिए, और एक और एंड पॉइंट पकड़िए और सेंटर से मिला दिए, उसके ज्वाइन कर दिए। तो देखिए ये कुछ एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री का एंगल है। कितना है हमारा? पहला वाला हम लोग मान लेते 60 डिग्री। सेम वे में सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर भी सेंटर से जॉइंट कर देंगे, और यहाँ पर ये कितना बना रहा है हमारा? 75 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। सेंटर पे दोनों एंगल बना रहे, एक 60 का बना रहा है, एक 75 का बना रहा है, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई, उनके रेडियस का रेशियो बताइए। इस सर्कल का रेडियस मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं R1, और इस सर्कल का रेडियस को हम लोग मान लेते हैं मान लीजिए R2। तो मुझे क्या बताना है? R1 बाई R2 क्या होगा? क्लियर है? क्योंकि R1 बाई R2 पता चल जाएगा, तो उसी को मैं लिख दूंगा R1:R2। क्लियर है? तो इनडायरेक्टली मुझे बताना है R1:R2 क्या होगा। तो सोचिए आप लोग, स्क्रीन को पॉज करके एक बार सोचिए, ठीक है। चलिए सोच लिया होगा, काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, और जो नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम करवाएंगे, ठीक है। तो भाई हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि मुझे किसी तरीके से रेडियस को इंट्रोड्यूस कराना है इस एंगल के साथ, इस लेंथ के साथ, जो जो गिवन है उनके साथ अगर मैं इस रेडियस को इंट्रोड्यूस करा पाऊँ तो मेरे पास एक रिलेशन बन जाएगी, तो इसको मैं कहीं ना कहीं इसके साथ भी रिलेट कर पाऊँगा। क्लियर है? तो सबसे पहले R1 निकाल लेते हैं, कैसे आएगा देखिए। इधर लिख सकता हूं मैं एंगल इक्वल टू, हम लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो एंगल यहां पर कितना है मेरा? 60 डिग्री इक्वल टू आर्क, आर्क एल है, रेडियस आपका R1 है, तो यहां से आपका R1 क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा आपका एल बाई 60 डिग्री। इसको मानिए आप फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। सेम फॉर्मूला इस वाले सर्कल में लगाते हैं। क्या बोला? सेम फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हम लोग इस वाले सर्कल पे अप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री एंगल इक्वल टू आर्क, आर्क क्या है? एल ही है, अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है यहाँ पर? R2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, R2 इक्वल टू एल बाई 75। इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। अब देखिए R1:R2 निकालना है, ये कैसे आएगा? जब मैं वन इक्वेशन को टू से डिवाइड कर दूं तो R1:R2 आ जाएगा, तो LHS से डिवाइड होगा और RHS से डिवाइड होगा। चलिए तो मैं लिख देता हूँ अब डिवाइड 1:2,
मैंने 1 को ऊपर रखा, 2 को नीचे रखा, क्योंकि R1 मुझे ऊपर चाहिए था, इसलिए मैं 1 को ऊपर रख रहा हूँ। तो मैंने लिखा R1, अब इसका LHS क्या है, R2, तो नीचे आ गया, इक्वल टू L/60 डिवाइडेड बाई L/75। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 ऊपर जाएगा, दूर दूर वाले के पास, पास पास वाले के पास, तो जाएगा L/75 डिवाइडेड बाई L/60। क्लियर है, कटिंग कर देते हैं हम, L से L कैंसिल हो गया। देखिए 15 4 जा 60 और 15 5 जा 75, तो R1/R2 की वैल्यू क्या आ रही है, R1/R2 की वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है 5/4। क्लियर है, दैट इज़ R1/R2 मिल गया, मतलब R1:R2 भी कितना हो गया मेरा 5:4, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कितना लल्लू था, हम लोगों ने बड़े ही आसान तरीके से कर दिया और बहुत अच्छे से समझ के कर दिया। ये खूबसूरती थी इस क्वेश्चन में कि आपको एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस लगाना था और सेम वे में उधर भी लगाना था, और R1/R2 कैसे आएगा ये हम लोगों ने सोचा कि डिवाइड करके आएगा, तो इसमें ये थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई हुआ था। तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो, नहीं आया तो इसको एक बार आप और देखिए, पूरा आ जाएगा समझ में फुल गारंटी के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल LMP सेवाज अकेडमी, जिसमें आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे, और कृपया करके आप इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप नॉलेज को शेयर करेंगे तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी। सो थैंक यू वेरी मच।